हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो को क्या बताने वाला हूं, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। एंड गाइस जो आपने शुरुआत में यहां पे वीडियो देखी काफी ज्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर। एंड दोस्तों अगर आप इस टाइप की रील्स बनाकर रील्स पे अपलोड करते हो तो आप अच्छे खासे व्यूज आ सकते हो और आपकी वीडियो जो है वायरल भी हो सकती है। या फिर दोस्तों आपके कोई फ्रेंड वगैरह का या कोई बर्थडे है तो आप इस टाइप का स्टेटस बना सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल है बनाना, वो मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने वी एन ऐप को डाउन कर लेना, इसका लिंक मुझे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने वहाँ पे पिन कर रखा है, ठीक है। सबसे ऊपर फर्स्ट में आप मैंने पिन कर रखा, वहाँ पे आप टैप करके इस ऐप को डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वी एन ऐप को ओपन कर लेना है। एंड जो दोस्तों हमारा वी एन ऐप ओपन हो चुका है इस टाइप से, एंड यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन, इस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वो वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो वीडियो रही है इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस एरो वाले निशान पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है प्रोसेसिंग हो रही है एंड यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने दोनों फिंगर से उसको जूम करना है एंड यहाँ पे आपने कितने सेकंड पे जो है कट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक कट लगाना है, देन कहाँ पे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए 2 सेकंड पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने एक कट लगाना और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.100, ठीक है। यहाँ पे 2 सेकंड है, यहाँ पे 1.00 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रोकना है, यहाँ पे स्प्रिट के निशान पे क्लिक कर देना, ये जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। ये हो गया और ये जो ब्लैक सा पार्ट आता है, ये वाटर मार्क होता है, इसको भी डिलीट कर देना है। हमारे पास ये जो है ये पार्ट बच जाएगा, ये वीडियो जो पार्ट है ये आपको बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वीडियो भी आना है और यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो भी लगा सकते हो या फोटो भी ऐड कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपके लिए फोटो ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अपने बर्थडे की पिक है वो आपने ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पिक ले ली है आपको दिखाने के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो ये पिक हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो गाइस इस टाइप से यहाँ पे लग चुका है। और अब दोस्तों यहाँ पे आपने ऊपर क्लिक करना है, ओरिजिनल पे यहाँ पे 9060 इसको सेलेक्ट करना है, नीचे क्रॉप पे आना है, यहाँ पे 9060 इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने दोनों जो है फोटो है, दोनों वीडियो जो है, इनमें सब में 9060 इसको सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है। एंड दोस्तों अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाली वीडियो है इसका म्यूजिक है इसको पूरा बंद कर देना है, ठीक है। ये मैंने पूरा बंद कर दिया है। एंड अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, ये है म्यूजिक का, तो म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे जाना है। तो यहाँ पे आप प्लस वाला आइकन है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों एक वीडियो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी और म्यूजिक भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो पे क्लिक करना है, जैसे आप ओके निशान पे क्लिक कर दोगे आपकी जो वीडियो का म्यूजिक होगा वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चूज वाला आइकन, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, हमारा म्यूजिक जो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये देख सकते हो, आप लोग एफएक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे एफएक्स पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफएक्स वगैरह ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई सा भी एफएक्स लगा, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही आपने लगाना है, आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं फ्लैश वाला लगा रहा हूँ और यहाँ पे इसके लेंथ को शुरुआत में कर देना है और लेंथ को आप लगभग 0.71, ठीक है, 0.71, ठीक है। इसने सेकंड पे आपने रोक देना है, यहाँ पे मैंने रोक लिया, आपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है, किस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो ये मैंने लगा लिया है। लास्ट में दोस्तों आपने देखना, जहाँ तक आपका म्यूजिक है वहीं तक अपनी फोटो को, मतलब पीछे वाली जो फोटो है उसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक म्यूजिक हमारा, तो यहाँ तक मैंने अपनी फोटो को रख लिया है, पीछे से पूरा इक्वल कर लिया है। तो इतना दोस्तों करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप शुरुआत में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, फिलहाल के जैसे कि आपने ये ब्लैक वाला पार्ट ऐड करना है तो ये भी ऐड कर सकते हो, या आपने वाइट वाला ऐड करना है तो वाइट वाला ऐड कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, जो मैं आपको बताता हूँ वही करना होता है। ये देखिए मैंने पीछे करके ये वाला पार्ट लगा दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक वाला लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए काफ़ी अमेजिंग सा लग रहा है, इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक जो आपकी फोटो, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एक जूम वाला ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जूम इन वाला ऐड कर सकते हो, या मूव लेफ्ट वाला कर सकते हो, या मूव राइट वाला ऐड कर सकते हो, जो आपको फिलहाल अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने मूव राइट वाला कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस टाइप से आप इस टाइप की वीडियो की एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार आपको चला के दिखाता हूँ कैसे हमारी जो वीडियो बन के आई है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक है ना, काफ़ी सिंपल है और 2 मिनट के अंदर बन जाती है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप इस टाइप से नहीं बनाना चाहते, सिर्फ 1 क्लिक में बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, इस पर क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक तरीका आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल पे आना है मेरे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसी मेरा टेलीग्राम चैनल आ चुका है, ये अब मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। और यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको एक प्रोजेक्ट लिंक मिल जाता है, देख सकते हैं आप। जैसे आप इस प्रोजेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है।
इस टाइप का इंटरव्यू आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। आपका वी एन ऐप ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पे आप आ जाओगे। उसके दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फोटो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके ये रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। और जो भी आप यहाँ पे फोटो वीडियो ऐड करना चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं फिलहाल के लिए आपको कोई फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको दिखाने के लिए एक फोटो ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, आपने क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे फोटो ऐड करनी है, ठीक है। उसके अंदर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। प्रोजेक्ट में आके आपने सिर्फ जाके और सिर्फ फोटो रिप्लेस करनी है, ठीक है। उस फोटो जगह अपनी फोटो ऐड करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा कैसे जो हमारी वीडियो बन के आई है बिल्कुल वैसी वीडियो बनेगी सिर्फ वन क्लिक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी जो वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ गैलरी में आके, ठीक है ना। तो वैसे ये हमारी वीडियो में आपको चला के दिखाता हूँ। बना सकते हो, ठीक है, काफ़ी सिंपल है बनाना। तो आप दोनों तरीके का यूज़ कर सकते हो। मैं प्रोजेक्ट लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।